शो का वर्गमूल कैसे निकालें वर्गमूल को लिखते हैं अपना अंडूट के द्वारा यहाँ पर कौन सा विधि काम में लेना है अभाज्य गुणनखंड करना क्या है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है किसी भी संख्या को अपनी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में ये कौन सी होती हैं दो तीन पाँच सात सर्वप्रथम जैसे इसमें दो का भाग दिया कितनी बार गया पाँच बार और जीरो बार भाग देने में समस्या है तो यहाँ साइड में लिख कर आप अपना जो ट्रेडिशनल तरीके से भाग देते हैं उसे दे सकते हैं गया पाँच बार आ गया दस माइनस किया कुछ नहीं बचा जीरो जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड होता है आपका जीरो और कुछ नहीं बचा जितनी बार डिवाइड होता है वो यहाँ लिखना है फिर इसमें देखो दो का डिवाइड हो रहा है क्या यस कितना पच्चीस बार पच्चीस आपका दो से विभाज्य नहीं है तीन से नहीं है पाँच से है पाँच का भाग पाँच बार फिर पाँच में पाँच का भाग आपका एक बार तो सौ के हमारे पास ये गुणनखंड आ गया हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल तो दो समान संख्या का जोड़ा दो समान संख्या का जोड़ा प्रत्येक जोड़े में से एक बार इसको यहाँ लिख देना है गुणा किया कितना आ गया दस आ गया ओके तो इस प्रकार से हमने अपना शो का वर्गमूल मूल निकालना सीखा ओके आसान है